ఫేస్బుక్నగా వాయివడా నాకుంది సంధి పుడ్తా నన్న అభరిమాన్యమంతన దర్శన్ తున్ సంధికు నావా గోడవాన సగా బీడార్థున్ నావా సేవా జవహర్ మంద అని నావా गुणवाना भुयता शेवा जवाहर की सेरे नेरसपैद शेवा जवाहर किंताना जंगोरायताडत शेवा जवाहर किंवा आणि अनि कुपार लिंगोना शेवा जवाहर किंवा आणि मावा दो सो राज्य रियासतना मावा गड नावा ನನ್ನ ಗೋಂಡಿತ ವಡ್ಕ ಕಾ ಕೊಯನೆ ವಡ್ಕಕಾ ಬಾಬಾ ನಡು ನಾಡು ಜರ್ಸಿ ಬಗನ್ ಬಗನ್ ಹಿಂದೆ ಬಿ ವಡ್ಕ ಕಾ ಹಾಂ ಬಾರಿನ್ ಜನೀತೇ ಜೋ ಹಿಂದಿತೆ ಜೋ ವಡ್ಕೇ ಸಮಿ ಸಮಿ ರಿಯ ಸತ್ನಗ ಸಮಧಿ ಮಾವರ್ಕು ಕರೆ ಮಾಯಾರ ಅನಿ ಗೋಂಡಿತೆ ವಡ್ಕಕ ತೆ ಥೋಡಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿನ ನನ್ನ ರಂಡುತೇ ಬೋಲಿನೇ ಬಡ್ फेसबुक कई तक के बेह के आगवानी की तोर एन, वासी दल एडिटर अनि डायरेक्टर महागा इनके मा संगदे महागा सिलोर बारे जेते के और मातोड़ो వేందగా మీరే మాత్రు వేణ రూపినహర్ సింగ్ దాదాల్ గోండ్వాన తారా గోండ్వాన తరు సుకుం నేను సునె సొనేత తర్ సీత అతల్ సుకుం తయారాసి నేను జో గగాంతగా మిడ్చేర్మంతవరు చమకే మాసేర్మంతవరు అదేలాసి ఓ నన్న పహిలో ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಗೌಣವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗ ಗೌಣವನತ ಮಾಂದಾಂತ್ ಸಿರೋ ಶಿರೋಮಣಿ ಒನ್ನ ಸತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಪರೋ ಮಾವರು ಪೇನ್ವಾಗುರ್ಮಿ ಮತ್ತೊರ್ ಓರು ಮಾ ಗುಣವಾನ ಸಾಹಿತ್ಯತ नमन म्हणता की नावा मोदल नावा पारि नना अर्का माणिकराव नना नवा ना 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 मनवाल नार गोळा आणि इनके नना कुठनूर मध्ये म्हणतो नवा कांबे हिंकी शिक्षक बालिका आश्रम साडा तगा नंतर ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾಮಕಿಶೋರ್ ಮಂತನ್ ಇದು ಮೋಕ ಸಿ ಊರುಕೂ ನಾವೂರು ಮಾವಾ ಸುನೇರ್ ಸಿಂಗ್ ತ ದಾದನ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಉಸಾಕಿರಣತರಾಮನ್ ನನ್ನ ಅನಿ ಮಾವರು ನಂದಕಿಶೋರ್ ನೈತಾಂ ದಾದಾನ್ ನನ್ನ ಸೇವಾ ಶೇವ ಜಿಂತನ್ ಆನೆ ಮಾವರು ಬಿಚ್ಚು ಬಡ್ಡೆ ದಾದನ್ ಅನಿ ರಮೇಶ್ ಕೋರ್ಚ ದಾದನ್ ಅಹನೆ ಮಾವರು ಜೋ ಪಂದಿಪ್ರ ಮೋತಿರಾವನ್ ಕಾಮುನ್ ತನ್ವಾ ತನ್ವಾಜೆತುನು ಕಾಂಚಿ ಮುನಿಡ ಕಾಮ ಕೀಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ಮಾವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲ್ಲಮೆ ಪಾರಿನ್ ಬಿ ನನ್ನ ಶೇವಾ ಜೋಹರ್ ಕಿಶೇರ್ ಮಂತನ್ ನಾವ ನೇಟ ವಿಸಾಯಿ ಮಂದ ಇದು जो फेसबुक लाइव नागा की मावा जो गोण्यान मादित उरा जीवन विधान रीति रिवाज रीतीवाजमता अदु जो परंपरा तालते इनके केवना ताक्षेर वासेर मंता ताना जो मान आणि आनी मावा

इध फेसबुक लाइव तगा बचवीते पार्टिसिपेट आते वरकुन ना दगोको मंदा निर को नाना सेवा जोहार अन्य नावर नाकू वही तुन उम्र तुन मेरा उम्र से भी छोटे रहेंगे तो भाई और भान और मेरे से उम्र के बड़े होंगे तो मैं उन लोगों को पुरके मान कर मैं उनका सेवा जोहर करता हूँ जैसे नावन एंड विषय मंदा की पारंपरिक कोइतुर मोदवेरची इतने के जो कोई तुरा इज्ञान बतला दू कोइतुर का इज्ञान कौन सा है कैसा विज्ञान है उसके ऊपर मैं थोड़ा शास्त्रीय अध्ययन के ऊपर ध्यान देकर मैं दो शब्द मेरा रखना चाहता हूं अचार्य बारिजे के न ना नावा जो परीक्षा बता लेते शिक्षक मंजरे मंजरे ने नाकूंदी मावा जो संस्कृति अनि मावा इतिहास अनि मावा जो साहित्य अपने साहित्य पूरा अभी तक मोतीरावन रामन कंगली दादा ने और गुणवानक इतिहास बहुत कुछ बाहर लाए हैं उनको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जैसा कंगाली दादा ने पहादी पारी को पाल लिंगो दर्शन किताब लिखकर और सुनर सिंह दा, ताराम दादा ने गुणवाना दर्शन मासिक पत्रिका का वो एडिटर रहकर जैसे अपना इतिहास और जो कुछ मुकुदगत उद्गत जो कुछ साहित्य है उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास दिन रात करते रहे हम मोतीराम कंगाली दादा को और ताराम दादा को और मेरी दीदी आतरम आतरमदाय को मैं रूनी हूं जैसे कि मैं गोंड कम्युनिटी में और गोंड समाज में जन्म लेना मैं भाग्य मान रहा हूँ क्योंकि जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल में से उनका उस कुल का रुनी होता है वो रुन को अपन को पेड़ना जरूरी है अभी उसका उस कार्यरत में मैं अभी लगा हूँ और मेरा पहला विषय विषय है साहित्य तो बहुत ही है लेकिन अपने पुरखा लोग को जब मुकोक उद्घात साहित्य था नेकनेक दस्तुर पूरा नेकी पूरा रीति रिवाज पूरा कायदा यानी नेकी महान ताकुसेर मातर अंटीतल ताकुशिर नेंडु इनके महागयनल ये उस बती बता लेंगे के उर्मा वहें की मुंद ವಿಶಾಖ್ನೆ ಮಹಾಂತೇ ಶಂಭು ಗೌರ ಮತ್ತು ಶಂಭು ಮಹಾದೇವಲ್ ಶಭು ಮಹಾದೇವಲ್ ದೇವಾಲ ಸೀತ ಉಂದಿ ಮಾಕು ವರದಾನ್ ಬತಾಲ್ ಮೇ ಮೂ ಸರಿ ತ್ರೀ ತ್ರಿಗೂನ್ಸೂಲ್ ಮಾರ್ಗ್ ಮೂನ್ ಮುನ್ಸಾಲ್ ಸರಿ ಇನ್ವಾಳು ಜೋ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವಲ್ ಸೀತ ಸರಿ ಹರ್ ಹರ ಪಾಲನ್ ಕೀಸರೆ ಮುನೆ ತಾಕ ನಂಜರೆ ಸರಿ ತೋತ ಕಾಡ್ಕಿ ಅದನ್ನು ನೇನು ನನ್ನ ತಾನ ಎನಲ್ಸಿಸ್ ಕೀತನ್ ಬತಾಲ್ ಎನಾಲಸಿ ಕೀತನ್ ಎಂಜರಿತೇ ಕ್ಯಾ ಉಸ್ಕಾ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಮಾರ್ಗ ಎನಲ್ಸಿ ಮೈನೇ ಕಿಯ मेरा त्रिशूल मार्ग का एनालिसिस में ऐसा मैं पाया कि जैसा मेरा दादा और पिता और मैं ये त्रिगुण का मेरा एनालिसिस है जब मेरा दादा ने किया जैसा परंपरा और मेरा दादा करा करके मेरा पिताजी करा जैसे वो उसके ऊपर चल रहा उसी तरह और मेरा पिता पिताजी कर रहा तो मैं भी उसी तरह का करूं ये पारंपरिक ज्ञान है जैसे ये पारंपरिक विज्ञान को लेकर अभी तक हमारे लोग वो पारंपरिक विज्ञान के ऊपर चल रहे अभी वो पुर के लोग अपना जो कुछ पारंपरिक विज्ञान था वो वो विज्ञान को हमारा पीढ़ी तक पहुंच दिए और उसके ऊपर हम उसको वो पारंपरिक विज्ञान को साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं अभी मैं वो अपने पुरका लोग को शत शतु नमन करता हूँ क्योंकि अगर किसी भी समाज का साहित्य है बदबी समझना जो मावा साहित्य मंदर कोया मंदर यानी नेक नेक दस्तुर मंदर अद अद समृद्ध मत के समाज समृद्ध अंत जिस समाज का साहित्य है उस समाज का दर्पण है उसीलिए हमको अगले पीढ़ी को देने के लिए हम हमारा पुरके दिए सो ज्ञान को अगला पीढ़ी को देने के लिए वायवल पीड़ित तो योशन लासी मावा कार्यरत प्रयास मंता तो उन्हीं विषय पहला विषय वाता नवा कि नेंग दस्तूर तगा अनि कोई तोर मोदवेड़ ची पारंपरिक कोई तोर मोदवे मोदवेड़ ची जरिये तुंगसे वायवल बतल मोदवेड़ मंता मनता अद मोदवेड़ ची बतल परो आधार राशि मनता नहीं ताना पंजाब प्लस ब्याकु बतल मन था एक पड़ेगा क्योंकि लोग शिक्षित थे आ अशिक्षित थे। लेकिन एक परंपरा को बना कर रखे वो परंपरा के ऊपर वो चलते आए अभी हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे और एक बात के ऊपर एनालिसिस करने का क्षमता आया तो हम उसके ऊपर अभी एनालिसिस कर हैं पहला मुद्दा है देखिए मेरा जैसे कि अपना गोंडियन समाज में और जन्म तो सब कुछ लेते हैं हर प्राणी जन्म लेता है हर प्राणी जन्म लेता है जैसे कि एक प्राणी मानव भी एक प्राणी इस विश्व में जीव कोटि में मानव एक प्राणी है जैसे कि अभी माता और पिता जैसे कि रुन और दुन और नर और मादा ये दो चीज का मिलन होने के बाद या नर तो भी उत्पन्न होता या तो मादा तो भी लेकिन कौन सा तो भी एक चीज उत्पन्न होता ये देखिए मैं जब ने पहला ने बताया था दादा पिताजी मैं और एक देखिए अभी माता पिता और बेटा ये तीन जाना स्थिति होता है और मरण ऐसा हर एक स्थिति का होता है इसलिए जैसे कि माता पिता और लड़का या लड़की ऐसा जैसे भी हमारे पुर के लोग बता देते अभी हमको पता चला कि त्रिगुण क्या है जैसे कि अपना संभव महादेव ने बताया मानसिक भौतिक और शारीरिक संभव महादेव का और उसके ऊपर अपना एनालिसिस में आया अभी हमारे पूर्व का लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वहाँ तक नहीं जा पा उन लोग ना, उनका, उन लोगों का सोच था दादा पिता परदादा और उसीलिए अब तो अभी उनका पारंपरिक वो अभी तक चलते आ रहा ये महत्वा का है ये ऐसे है ये पूरे लोक तक पहुंचाने के लिए साहित्य का जरूरत था ये ज्ञान हर एक को पहुंचना करके अपने बुजुर्ग लोग और गौणवाना दर्शन एक बहुत बड़ी अपने को सहायता गौणवाना दर्शन मातिक मातृ नहीं है सुनहर सिंह को मैं सतो सतो नमन करता हूं उनका सारा जीवन दर्शन के लिए और गोंडवाना इतिहास के लिए गोंडवाना के लिए जिंदगी पूरा पूरा किया उनको मैं और गोंड समाज से हरे पूरा सुनील सिंह दादा को कितना भी कमी है कि उनका कार्य बहुत सहारनीय है वैसे ही लोग उनके ऊपर उनके तरफ जैसे कि साहित्य के ऊपर उन लोग ने काम करे गुणवान भूया के लिए जैसे कि अभी मेरा शंभु शेख ने त्रिकुणसून मार्ग दिया मैं अभी जैसे कि देवकाली में जाऊंगा तो परसापेन और जंगो लिंगो ऐसे ही अभी गोंडवाना क्रांति के इधर बात करूंगा तो मोतीरावन कंगली दादा और सुनैर सिंह तारम दादा और अपने पूर्व के लोग वासुदेव साह टेकम दादा और कोमल सिंह मराई, मराई दादा ये अपने गोंडियन के पंडु लोग हैं जैसे कि विद्युन लोक गोंडी में पंडुम इत के पंडी मेडिल को और गीता गोंडवानासी मंता लासी ने नना मुनसूल चरिति तरी तरीकते नना एनासिस की शेरमंथन ये त्रिगुण का जैसे कि मेरा दादा परदादा कभी भी एक जैसे कि वैद्यराज था थोड़ा वनस्पति के ऊपर उनका ध्यान था तो कभी ऐसे जैसे मरी जाते थे तो उनको दवा देते वक्त बताता था तीन तीन टाइम ले लेना अरे तीन टाइम लेना अभी लेना करके बता रहे ठीक है तीन या चार टाइम क्यों नहीं बता रहे हर एक को तीन टाइम लेना बता रहे ये तीन टाइम क्या चीज़ है मैंने मेरा दादा को पूछने से जैसे दादा ने बताया तेरा पिता पिताजी का और एक तेरा और मध्यान और संध्या हर एक तीन के ऊपर ये पूरा जो विश्व भी चलता तीन के ऊपर ही चलता जैसे कि विवाह और मरण ऐसा मेरा एनालिसिस है अभी मैं मेरा एनालिसिस के ऊपर एक मेरा का और बात है कि अपने गोंडियन सगा बीडर में गोंडियन जो संस्कृति में और गोंडियन का नार व्यवस्था में अभी देखिए मैं एक सोच में सोच लगाया कि हर एक गांव को देखा तो हमारा नार व्यवस्था गांव को भौगोलिक क्षेत्र में किया कि जैसा गोडियन का जैसे कि प्रकृति के नेचर के नजदीक रहने के लिए चाहता है जैसे कि नेचर के नजदीक रहने के लिए क्यों चाहता है जैसे देखो पहाड़ रहेगा या छोटा सा डोंगर रहेगा उसके बाजुक में अपना गांव बसा रहता है ये देखिए अपना गोंडियन व्यवस्था का भौगोलिक व्यवस्था अभी देखिए अपने लोग को जो प्रकृतिक आराधक ऐसा बताते प्रकृति में क्या क्या है और प्रकृति से वो परे नहीं हो सकता और इनसे प्रकृति परे नहीं हो सकता जैसे कि गांव होता है गांव से बाजुक में थोड़ा जंगल होता है और थोड़ा पहाड़ी होता है और जंगल में रहने के जानवर वो होते हैं और इनके भी पालतू जानवर जो व्यवसाय के लिए खेती के लिए इनका गाय बैल बकरी ये इन लोग पालते हैं पालते वक्त अब उनका देखिए भौगोलिक क्षेत्र मैंने परिकल्पना किया कि हमारा गोंडियन गांव क्यों ऐसा पहाड़ के नजदीक रहता है तो मेरा एनालिसिस में आया अभी देखिए ये पहले प्रकृति को आराधन करने वाले जैसे कि प्रकृति को आराधन करने वाले को पहला कुछ सेवा लेना है तो सेवा का ऋण चुका नहीं है इसलिए उन लोग हर एक के लिए जैसे अपना खेती कल्याण के लिए जाते तो उनका बैल और गाय जंगल में चराने के लिए जाना पड़ेगा वैसा उसी उन लोग और पूछ के लिए और थोड़ा अपने को मकान ये मचान बनाने के बनाने के लिए जंगल में लकड़ी के, लाने के लिए वो जाना ही पड़ता था उसी अपना गांव पहाड़ के नज़दीक या कहीं झरना के बाजुक में और कहीं ठंड प्रदेश में और थोड़ा ऊंचाई प्रदेश में बसा होता है ये देखिए ये हमारा गोंडियन का ग्राम व्यवस्था का भौगोलिक परिक्षेत्र परिक्षेत्र ये कभी भी वनस्पति से प्रिय करते हैं कभी पक्षी से प्रिय करते हैं और कभी जानवर से प्रिय करते हैं ये है इनका जो पारंपरिक ज्ञान। इसे ही पारंपरिक ज्ञान कहा गया है जैसे कि अभी यह एक पारंपरिक ज्ञान को साइंटिफिक एनालिसिस करना चाह रहे तो अभी देखिए साइंटिफिक एनालिसिस में अपने को बाहर आया कि आज का दिन में जैसे कि नेचर को प्यूरीफाई करना है नेचर को बचाना है नेचर बचेगा तो अपन बचेंगे नहीं तो विनाश हो जाएंगे जैसे ग्लोबलाइजेशन आ रहा ग्लोबलाइजेशन में तो कुछ भी बचाने का शंका नहीं दिख रहा लेकिन जब अपन नेचर को बचाएंगे तो नेचर अपने को बचाएगा जैसा व्यवस्था को लेकर अपने पूर्ख लोग पहले से अभी तक वो विज्ञान को लेकर आ रहे बहुत उनको आज और पूरा वो बुद्धि लोग जैसे पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो बुद्धि से विज्ञानी थे हाँ उनके बुद्धि से विज्ञानी रहने से पढ़े लिखे नहीं जो पहले का जो रीति रिवाज से और आगे का सोच उनका व्यू बहुत बड़ा था जैसे कि इसलिए उन लोग कहीं दूर जगह पे और कहीं निबंध जगह पे और जंगल के करीब करीब उनका निवास रहता था जैसे अभी वो गांव है गांव को नार बताते गोंडी में जैसे कि वो नार में कुटुंब होते हैं कुटुंबा या कुटमार कोई कुटमार कुटमार होता है तो कुटमार में बा माँ बाप बेटे या बच्ची कोई भी हो उसमें तो अभी देखिए मेरा एक एनालिसिस और निकला है जैसे कि एनालिसिस एनालिसिस में अभी जो कुटमार होता है कुटमार होने के बाद वहाँ पे कुटुम्बा वास करती है माँ बाप और कोई भी तो माँ बाप वास करते वक्त अब उन लोग विवाह संस्कार होगा विवाह संस्कार होने के बाद उनका जो भगवान का और पेन का देन होता है पेन का देन होने से उनको उनका संतान का बागी आती है जब संतान का बागी आती है तो वो अपना दाई मातृशक्ति जब उनका प्रिग्नेंसी आती है प्रिग्नेंसी आते वक़्त हाँ वो नौ दिन नौ महीने नौ दिन के लिए जो गर्भवती होती है तो उस समय में उस समय में जब लोग अपने लोग को ऐसे अभी का ज्ञान नहीं था पारंपरिक ज्ञान में क्या कैसा कैसा क्या करते थे जैसे कि अभी मेरा ख्याल में आया अभी अपने को जो प्रेगनेंसी रहता है प्रेगनेंसी रहते तो इंजेक्शन ये वो पूरे आ रहे अभी वैसा तो अभी देखिए जो वो प्रेगनेंसी मातृशक्ति रहते हैं जब अभी जो टैबलेट्स आए आयरन टैबलेट्स करके आयरन छोड़ अभी वो जो प्रेगनेंसी है प्रेगनेंसी रहते वक़्त तो उनको आयरन टैबलेट्स की ज़रूरत होती है तो जब अपने लोग ये आयरन टैबलेट नहीं थे तो जब अपने लोग स्त्री लोग क्या करते थे अभी दाई लोग उनको बुजुर्ग लोग रहते थे वो सी जैसे लोग उन लोग बताते और कई उनको इच्छा होती है इच्छा होती है तो वो आयरन बॉडी में कमजोरी होने आयरन का जरूरत होता है तो जब अपने स्त्री लोग क्या करते थे एक काला सा मट्टी होता था काला सा मट्टी लेकिन वो पूरा काला नहीं होता था जैसे कि थोड़ा 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 लाइट हरा आ, लाइट सफेद रंग की पूरा काला नहीं था वो मट्टी को सेवन स्यव, करते थे चुपचुप -चुप के ज़्यादा नहीं लेकिन कितना लगता होता अब देखिए जब आयरन टैबलेट नहीं बना जब अपने पूर्व का लोग और गोंडियन का जो मोदे था आयरन मट्टी से मिलता है जैसा खून मट्टी से बनता है ऐसा लोग ये अपने लोग का इज्ञान था अभी अभी मैंने देखा कि ये आयरन का टैबलेट दे रहे अभी शुगर कोटिंग करके ये शुगर कोटिंग करके देते वक्त उसको एक बार फोड़ के देखने से वहां पे मट्टी निकला है अरे ये तो अपने पुरखा लोग ने अपना लोग ये ऐसा खेत का ये मट्टी सेवन करते थे थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं कितना लगता होता वो सेवन करती तो जब मुझे प, म, पता चला कि आयरन टैबलेट्स ये मट्टी का बनता है ऐसा विज्ञानी अपने लोग जैसे कि जब दवाखाना नहीं था और जब उन लोगों को साइंटिफिक नॉलेज था जैसा काला और सफेद थोड़ा मट्टी चिकना मट्टी होता वो मट्टी सेवन करने से अपने बॉडी में आयरन फार्म होता है ऐसा वो ये ये ज्ञान अपना पुरखों का ज्ञान है अभी उसके ऊपर ये पुरखों का ज्ञान को अभी जो टैबलेट्स ये वो हरा हरा चीज खाना ये वो अभी अभी लोग सेवन कर रहे उसमें अभी चलते आ रहे जैसे कि और एक ये विज्ञान का बात हुआ अभी अभी अपना नार व्यवस्था के नार व्यवस्था में वो एक कुटुंब है कुटुंब होने के बाद जब कुटुंब में वो अभी प्रेग प्रेगनेंसी होने के बाद उनका नौ महीने और नौ दिन और डिलीवरी का पीरियड आए आते वक़्त जैसे कि अपना नार व्यवस्था में नार व्यवस्था में जब का टाइम में डॉक्टर नहीं थे कोई भी नहीं थे कोई भी नहीं थे गांव में कौन होता था कोई और एक गायनाकोलॉजिस्ट ऐसा बता सकते वो सी एन भाई सी एन भाई थे सोनी बोतर एक देवरी जो पेन पटाखा पेन पूजा का वो करने वाला और एक कटोड़ा और एक जो नींद दस्तूर बताने वाला और एक ऐसा ये हमारा नार व्यवस्था में थे तो जब देखिए जब मातृशक्ति का कुछ भी होता है डिलीवरी होना ये वो होना तो जब देखिए ये सीएन बाई का जैसे कि सोनी सोनी बाई का भागीदार होता है उसका नाम आज क्या पड़ा है गाइनाकोलॉजिस्ट साइंटिफिक नॉलेज नॉलेजिस्ट ये गायनाकोलॉजिस्ट का नॉलेज नाले, अपने लोगों को कई हजारों पीढ़ियों नॉलेज था देखिए अब जब लोग जैसा कि डिलीवरी हुआ हो, डिलीवरी होते ही उसका लड़का या लड़की हो या शिशु हो शिशु को होने के बाद क्या करते हैं उनका नाभिनाल कट करना जब राति युग में पत्थर का इस्तेमाल करें जब लोहा युग आया कचित वाता अस्के ब्लेड वाता तान मुन्ने वाइवा मुन्ने बहन बह की मोड़ को इतर ते सोड़ा ऐसे देखिए जैसे नाभिनाल कट करने के लिए तेज पत्थर को उपयोग करते थे जब लोहा युग आया ब्लेड तैयार होगा जब लोहा का उपयोग कर रहे जैसे पहला उन लोग ये होने के बाद ये पत्थर से भी पहला पत्थर होने के बाद अपने को वो बांस का पत्ती बांस का पत्ती से नाबिनाल नाल को कट करते थे देखिए वो पत्थर से काटे तो भी स्टेटानस नहीं आती थी और ये बांस का पत्ती से काटे तो टेटास नहीं, टेटास नहीं आई अभी देखिए अभी ब्लेड काटने से टीटी देना जरूरी है उधर माता को भी देना जरूरी होता है टीटी और इधर शिशु को भी देना जरूरी होता है जब अपने पुर का लोग दवाखाना नहीं था और ये एलोपैथी और यूनानी कुछ भी नहीं था जब लोग ये अपना को पाकर उनका ऐसा जीवन ये कर दिया उनका देखिए ब्ले बांस का पत्ती से ना बिना कुछ तेजिक नहीं होता ये देखिए ये पारंपरिक ज्ञान देखिए अभी ये साइंटिफिक ये और उसका और ये पारंपरिक ज्ञान को मेरा एनालिसिस करना है और जैसे कि कहीं कहीं किलोजिस्ट बताया अपना गांव सिस्टम में वो और एक होता साइकोलॉजिस्ट जो उनका सगुड़ सुडवल सगुड़ कोला बीती सगुड़ सुडवल जैसे कि पंचंग देखने वाला उसको क्या करते है? अभी हिंदी में साइकोलॉजिस्ट उसका जो कुछ ब्रेन में ब्रेन में वास करना उसका मानसिक स्थिति को दूर करना हाँ, जैसे ये अपना सिस्टम में पांच लोग मुख्य गांव में रहते थे एक तो गायनाकोलॉजिस्ट एक तो साइको एक तो एक तो मानसिक शास्त्रवेत्ता और एक ऐसा ये अपना गोंडियन सिस्टम था अभी अभी के सिस्टम में ये पूरा पारंपरिक चलते चल रहा चल रहा पारंपरिक पर, चल रहा चल रहा अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान देकर उसको साइंटिफिक कर रहे इसके ऊपर अपने लोगों को सुशिक्षित सुख्षि, हो रहे और अपने लोग पढ़े लिखे वो ध्यान दे रहे जैसे कि अगले वाले अपना जो नेंग दस्तूर को और मावा रीति रिवाज यानी नेंग दस्तूर तो को बता इनते पूरा अंधविश्वास इनते अंधविश्वास ले जो अपना गोंडियन संस्कृति में और गोंडियन का नॉलेज पारंपरिक ज्ञान पारंपरिक मौदवेरची में अंधा विश्वास नहीं है साइंटिफिकली है लेकिन उसको उल्लेख करके बताने वाला चाहिए और अभी हजारों साल का ज्ञान को अभी तक वो ज्ञान को लेकर चल रहे तो उनको धन्य कहना चाहिए जैसे कि कभी भी एनालिसिस हुआ तो उसका जो कुछ फ्लैशबैक आए वो बाहर आता है उसके ऊपर अपने को ध्यान देना जरूरी है अभी देखिए हमारा गांव व्यवस्था का पहले ही बता दिया है एक एक गांव गांव व्यवस्था में पहाड़ के नजदीक होता है गांव और डंगूर डंगुर यानी जंगल केड़ा केड़ा और ढोडा ढोडा यानी नदी और झरना झरना यानी जब इसका और उनका जो संबंध नेचरली रिलेशनशिप अभी ये नेचरली रिलेशनशिप ऐसा रहने से उन लोग वहां से कभी दूर नहीं जा सकते और वो उससे उन लोग दूर नहीं और उनको वो परे नहीं हो सकता है इसलिए कभी ऊंचा प्रदेश में रहने का और जैसा ठंड काल आएगा धूप काल आएगा हवा ये वो उसके भी उससे भी बचने के लिए उन लोग पहले ही ये करते थे अभी देखिए अभी मैं थोड़ा वो बच्चा जन्म का एक विधि विधान के ध्यान दूँगा अभी मैं वो पहला बताया था कि आयरन टैबलेट के बारे में और एक दूसरा बताया था नाभिनाल कट करने के बाद क्या उपयोग करते थे जैसे कि बांस का पत्ती और एक तेज पत्थर हाँ बंडा

पुर के लोग ने पुर के लोग ने एक दो वनस्पति को लाते थे, थे दो वनस्पति उसमें से एक वनस्पति है बिलुआ अभी मैं बताऊंगा है देखिए ये बिलुआ ज्यादा लकड़ी नहीं लाते इतना इतना लकड़ी लाते हैं ये बिलुआ ये में बिलाहका कोहका कहते हैं और दूसरा है ये ये तेंदुका तुमरी तुमरी कहते हैं ये तेंदुका अभी देखिए मैं वो टेटरनाश नहीं आता हाँ वो ऐसा आता है इससे पहले बताया था ये देखिए अपने लोग पुर के लोग ने बताया का उनका एक ज्ञान है ये एक बिलावा और एक तेंदुका इतना सा लकड़ी लाकर जैसे कि प्रसूति घर कहाँ है वो घर का जो डोर है और वो दरवाज़ा है और एक जो प्रसूति हुई है जो माता का स्नान बाथरूम वहाँ पे ये दो टुकड़े रखते हैं अब देखिए ये दुकड़े ये दो टुकड़े का मकसद मैं अभी बताने जा रहा हूँ जैसे कि ये भिलावा है ये भिलावा और ये फल है ये कोहका है ये भिलावा और ये कोहका है ये ये तो डंडा है और ये फल है अभी देखिए थोड़ा भी खही मार लगेगा तो ये बिलवा फल से तेल है थोड़ा भी खाई मार लगेगा तो ये लगा देते लगाने से तुरंत वेदना कम हो जाता है और देखिए अभी इसका ये इसका बतन ये बिलावा का इतना लंबा एक एक पीठ लकड़ी लाए हैं। ये एक पीठ लकड़ी दरवाजे के सामने रखते हैं क्यों रखता मैंने पूछा ये लकड़ी क्यों लाए ये लकड़ी क्यों लाए तो वो अपने पुरखा से वो सियाल दीदी ने बताई थी और पुरखे भी बताए थे नहीं वो हमारा दादा परदादा लाके ला के ऐसा रखते थे इसलिए हम रख रख लिए ऐसे मैं कई लोग को पूछा जैसे सियाल लोग और बड़े बुजुर्ग लोग को फिर मैं एनालिसिस करा कि इस लकड़ी में क्या है और इसमें इस क्या है जैसे कि कभी मार लगे तो वो लगा देते लेकिन अभी ये लकड़ी लाने का वजह क्या है थोड़ा ये एक फीट लकड़ी जब मैंने पूछा और एनालिसिस करा तो अभी देखो वो बिलावा एंटीबायोटिक है बिलावा एंटीबायोटिक तो और फिर जैसे कि ये बिलावा होता है ये तेंदुका तेंदुका है ना ये तेंदुका है तेंदुका और इसका क्या है ये एंटीबायोटिक होगा और ये का है कभी भी देखिए तेंदु का लकड़ी रहे तो जल चिटपट 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 करके जो ये देखिए अभी इसका छिलटा है ये छिलटा है ना ये अभी ये काला दिख रहा है ये छिल्टा है सूखी लकड़ी रहे तो ये चिल्टा ये है ये चिटपट चिटपट करती है चिटपट करने से इसमें मैंने पाया कि ये पोटासियम होता है इस लकड़ी में पोटासियम होता है इस इस लकड़ी में एंटीबायोटिक होता है देखिए अपना पुरखों का इज्ञान जब ये दो लकड़ी दरवाजे के अंदर का एंट्रेंस में रहेगा तो तो देखिए पांच मीटर तक परिसर को स्वच्छ बनाता है ये दो लकड़ी पांच मीटर पांच मीटर तक परिसर को जैसे कि वहां पे डिलीवरी स्त्री माता शक्ति और नवजात शिशु अंदर में रहते हैं तो पांच मीटर तक उस परिसर को प्यूरिफाई करते हैं एनालिसिस में आया है एनालिसिस फिर बाद में उसका बाथरूम में होता है वहां पे भी ये रखते एनालिसिस ज्ञान को मैं साइंटिफिक विज्ञान ये बिलावा का एंटीबायोटिक है और तेंदू में तेंदु का छिलटा में पोटा ये, पोटासियम होता है और पोटा ये होता है पोटास होता है उसके लिए वो छटपट छटपट करके जलती है लिए वो दो भी चीज जंतुनाशक है लिए उन लोगों को जब बताया पता, पता चला कि अभी अभी भी परंपरा में मैं बताता ये क्यों लाते हैं लेकिन अभी मिलता है वो और के लोग करते थे लेकिन उनके ऊपर उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिए स्वच्छता के लिए अभी नवजात शिशु जन्म लिया पहला नवजात शिशु मैं बता रहा था अभी जो मोती कंगली कंगाली दादा ने भी बताया और सुनह सिंह तारम दादा इन लोग ने बताया जैसे कि गोंडवाना कोयामुरी द्वीप और तो माँ का घर जो गोंडवाना भूमि भी कोख जैसे कि हमारी माता गोंडवाना भूमि में जन्म ही उसलिए कोया बनी हा? अब जब देखिए जब कोया हमारा मां बनी बनने के बाद बन, बनने के नवजात शिशु तो उसमें उल्लेख आया कि अभी बच्चा जो जमीन पर पदस्थ करता है तो कोहें 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 बोलता है देखिए उसका जो लड़ना है कोहें कोहें अब देखिए वो कोक से जन्म लिया माँ भी कोक से जन्म लिया और मैं माँ का कोक से जन्म लिया क्यों क्यों कर, करता है देखिए हमारा जो पारंपरिक है अभी वो होने के बाद जब उनको स्वच्छता करना होता है स्वच्छता करने के पहला उसको शुद्ध करने के लिए जैसे नवजात शिशु को पानी से नहीं धो सकते जब अपने लोग क्या करते थे जैसा किसी भी चीज हो किसी भी चीज ये ये पिंडी से शरीर को जो कुछ मैं पहला वो होने के बाद अभी ये जन्म संस्कार में ये ये आई फिर विवाह संस्कार में ये आती ये एक रंग और ये एक रंग और ये, एक रंग। ये काला होता है ये देखिए हर तीन गुनों से और ये अनिवार्य है ये जरूरी होना है जैसे कि ये बगैर हमारा कौन सा भी नेक नेक दस्तुर अभी देखिए हमारा जो पारा जी इसे कहते हैं ये है ये जैसे कि कहा है ये कोरिया से आया है तो ऐसा नहीं उसके साथ में रहेंगे जब ही उनको चूर्ण बना, बनाते हैं जब इनका इस्तेमाल कर देते हैं ये क्या क्या करने के लिए उपयोग करते हैं और एक मेरा एनालिसिस में आया जैसे कि ये एक आटा और ये हल्दी और एक कार्बन कोलिया ये, कोल ये देखिए अभी मेरी एनालिसिस का और एक एनालिसिस आप लोग को बताना जा रहा हूँ मैं हमारे ये गोंडियन का पारंपरिक दस्तूर की मोदी इसमें ये हमारा एक संशोध ग्रंथ तेलुगु में बनी है जैसे इसमें देखिए इंडिजीनियस आप इंडिजिनियस नॉलेज ऑफ कोई तुर अब देखिये कोई तुर का इंडिजिनियस नॉलेज का बारे में ये पूरा शोध निकल के अभी अभी उसका एनालिसिस हो रहा पारिक आ, काम होता अभी देखिए यहाँ पे थोड़े लोग ये पटा डाल रहे अपने बुजुर्ग लोग और यहाँ पे लोग थोड़ा ये पत्ते ये आते वक्त देखिए अभी इसमें जो ये तीन चीज अनिवार्य है और यह प्राकृतिक सिद्ध है ये किसी भी मिलावट से नहीं सिद्ध को एनासिस करते वक्त थोड़े लोग बताएंगे कि यह दिखने को ऐसा ही दिखता लेकिन उसका गुणधर्म क्या है वो गुणधर्म ही शास्त्रीय है उसके शास्त्रीय ध्यान पर उसको देखना पड़ेगा तो उनका शास्त्रीय ज्ञान को अपन अपनाए तो अपने को जो कुछ उससे अपने को फायदा हो रहा और उनका सेवा क्या क्या होना अपने को मिलेगा जैसे कि अभी मैं आपको ये तीन चीज जो आटा जन्म संस्कार में आया हल्दी विवाह मृत्यु संस्कार में अपने लोग भूमि में कोक में रखते हैं मरणोपरत जलना नहीं लेकिन अभी दा, दादाजी ने मृत्यु संस्कार में कोले का बनाया ये ये जब ये ये भी एक नेचर करने वाली है जब ऐसा कि अभी हमारे लोग नींद दस्तूर में पेन का गोंगो ले जाते हैं पहला खाली पानी छिड़काते हैं पानी छिड़काने के बाद उसको गाय का गोबर से लीपते हैं लिपने के बाद और क्या करते जैसे गोमूत्र होता है गोमूत्र छिड़का देते हैं गोमूत्र छिड़काने के बाद एक देखिए एक नेचर को प्योरीफाई करने के लिए इतना काम करना पड़ता इतना काम करे अपने लोग जैसे कि गोमूत्र छिड़का देते गोमूत्र छिड़कने और एक है जैसे कि रार या लुबन वो उसका दूर दे, दे देते वो देने दो वो पूरा देने के बाद और भी थोड़ा भी कुछ बचेगा पानी छिड़का देते नहीं तो मोह का पानी छिड़का देते हैं जैसे वो लीकर नहीं होता है स्वच्छ करने के लिए वो पानी छिड़का देते हैं उसमें पूरा प्यूरिफाई हो गए अभी मैं बता रू कि अपना जो नेकी नेक दस्तूर में अपना पेनों को कैसा आगवन करते तो अभी पेन को हमारे पेन को आगमन करते वक्त हमारे में देखिए अभी सुनर सिंह दादा ने तारम दादा ने भी बताया अभी वो सुनर सिंह तारम दादा का कितना भी याद करे तो अपना मन नहीं भरता है जैसे कि हर एक बात के ऊपर सुनैर सिंह दादा हमारे दिल में और याद आते ही रहते हैं जैसे कि सोनेता तारसीता गोडी में कहते हैं सोनेता तारसीता सुनहेर सिंह ताराम तो सोनेता तारसीता देखिए सोनेता कितना सुनहेर सिंह ताराम सोना का तारा हा? जैसे कि हिंदी में सोना का तारा अभी भी गोंडवाना का तारा बनकर है गगन में चमक रहा है सुनेर सिंह ताराम दादा गुंड में सोने था तार सीता सुनेर सिंह ताराम दादा इन बनता कि नावा एनासिस नगा ना जो इन उन्दुंदिपोरो उन्दुंदिपोरो ते मावा जो नेंग दस्तूर गोंडवाना दर्शन पुस्तक ने लिखी सी मावा ने की नेंग दस्तूर पड़ी गोंडवाना दर्शन पुस्तक ने तनवा आयुष पूरा ಸೀತರು ಒನ್ನ ನನ್ನ ಧನ್ಯಮ ಅದೇನಲ್ಲೇ ಉಂಡಗಿರೇ ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಗ ಪೇಷಿತ ಕಿಮ್ ಹಗ ಪಾಡಿಮಂತ ಪಾಡಿಂಗ ಜೋ ಪಾಂಡಿಪಾರಿ ಕುಪಾಲ್ ಲಿಂಗು ರಚಕಿತಾನಿ ಅದು ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಮ್ ಗುಣವನ ಕೋಯ ಪುಣ್ಯಮ್ ದರ್ಶನದಾಗ ವೇಹ್ತೀರಿ ಇದು ರೀತಿ ಮಾವ ಪಾಡಿನ ಇದಿಲ್ಲ ತರಿಕತೆ ಮಂತ ಹಿಮಾವ ವಿಹಂಕಿ ಪೂಜಾ ಕೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತ ಬೋನ ಪೇಂದ ಬೋರ್ ಪೂಜವಲ್ಲಿ मंता उंदी सगा वाले उंदी सगा वाले अन्य मुन्ने मनता उंदी और गुरु मुकीया। मुकीया। गुरु मुखिया गुरु मुखिया वेर उंदी सगा वाले गुरु मुखिया रण सगा वाले रण गुरु मुखिया इनू पूरा भे उंदी तालते एक से लेकर सात सगा घटक तक एक से लेकर सात घटक तक एक सगा में पाड़ी होते हैं सौ और दूसरा सगा में पाड़ी होते हैं सौ तीसरा सगा में इनू उधी तालते सात सगा तक लेकिन अपने में गोडियन सगा जगह सगा में अपना एक से लेकर बारह सगा घटक है ये बारह सगा घटक क्यों ऐसा बना इसके ऊपर भी एनालिसिस हमने इसके ऊपर भी ध्यान दिए है बारह सगा घटक है एनालिसिस में ये भी करना है तो जैसा कि ये अपने यहाँ पे एक वाले को एक और एक गुरु के बताए दो वाले को दो ये दो वाले ये अपने पुर के और आगे चल के अपना गुरु है ये हर एक सगा गठ में एक गुरु मुखिया हमेशा आता है वो ही पहादी पारी कुो अभी देखिए जैसे कि रचना होते समय में पहादी पारी रायतर जंगो और संभोग गौरा और जैसे कि जैसा अपना पौर्व पाटर धन्य में जो मुक्त होगा और अपना सांस्कृतिक रचना हुआ जैसे कि अपने लोग बोलते पुरो धन्य संस्कृति रचे माता अगटले पाड़ी सुड़ पुट वही वहाँ से ये पूरा हुआ तो ये जैसा उसका विभाजन हुआ जैसे कि एक से बारह घटक तक सगा है वो तो एक से बारह घटक तक सगा से एक से लेकर सात घटक तक एक एक घट में सौ सौ पाड़ी बताते ऐसे ही नौ दस ग्यारह बारह आठ नौ दस ग्यारह बारह घटक में आ, दस दस पाड़ी बताए थे दस दस पाड़ी बताए जैसे कि 750 ये अपना गोंडवाना का चिन्ह है सेवन फिफ्टी क्या अपना पहाड़ी है सगा है इसके ऊपर पूरे लोग अपने गोडवाना स्वागत क्या है अब नेंग दस्तुर के ऊपर जाएंगे तो उनका नेंग दस्तूर देखिए उनका जो गोंगो करना होता है एक यहाँ पे ऐसा उनका पुरकों का एक गुरु मुखिया ऐसा हर एक गुरु मुख्या को वहाँ पे बता दिए हैं जैसा बताने से अभी इसके ऊपर मेरा एनालिसिस है जैसे कि एनालिसिस कैसा निकला वो एनालिसिस जैसे अभी अभी का विज्ञान में अभी का विज्ञान युग है जो अपना पुरकोलोक का जब का जब का विज्ञान उनका पारंपरिक विज्ञान है अब का विज्ञान है वो उनको और ये आपका ज्ञान को हम इन कारपोरेट करें अब देखिए अभी करने के लिए इस्तेमाल करें वो भी प्रकृति सिद्ध का वहां पे उनका पेन को स्थापन करना है पेन को स्थापन करना है पेन को अब ऐसा तो था डालने के बाद ऐसा है, उनका गोत्र वाला है ऐसा मुट डाल के मुट डाल के उनको पेनों को आगमन करते तो वो पेन आके वह स्थिर हो जाता है वहां पे आके बैठती है अभी देखिए मेरा एनालिसिस में ऐसा निकला कि एनालिसिस कैसा होता है अभी देखिए ये गोंगो होने के बाद गोंगो पेन का स्थापन करने के लिए अभी देखिए ये है ये है एक तो और चांद और सूरज और एक झंडा है और नीचे ऐसा एक और दो खंबे हैं, और देखिए यहां पे पट्टा है ये पट्टा है ना ये देखिए अभी इसमें मैं हमारा गोंडियन का टेक्नोलॉजी बताता टेक्नोलॉजी जैसे अपने लोग एक पेन को स्थिर करने के लिए ऐसा पट्टा अभी देखिए इनका टेक्नोलॉजी ये पेन पट्टा है पेन पट्टा ये सर्किट है और उनका जो रिसीवर है ये जंडा है और ये दो मुंडे हैं इधर एक मुंडा है इधर एक मुंडा है ये माइनस प्लस और न्यूट्रल यहाँ पे वो पेन का स्थापन होता है यहाँ पे स्थिर होता है ये देखिए ये अपना गोडियन का टेक्नोलॉजी अब देखिए यहाँ पे चाँद और सूरज और यहाँ पे हाथ का छापा मारा है जब चांद और सूरज रहेगा तो हम जब तक हम किसी से धोखा नहीं करेंगे और हम पागल बात झूठ बात नहीं करेंगे ये दावा करें हैं ये जब चाँद और सूरज से अपने गोडियन लोग दावा करें उसीलिए अभी भी अपने लोग कभी भी किसी से भी धोखा करना नहीं चाहते ये गोंडियन रक्त में नहीं है कभी भी उन लोग एक को धोखा करना नहीं जानते अभी देखिए अपना यहाँ पे बता रहा हूँ मैं अभी 750 750 और अपना आराध्यादैवा शंभो और ये यो जो कुछ जंगो लिंगो शंभो ये तीन है अभी देखिए ये सूर्य और ये चंद्र और ये शंभो का जो त्रिशूल है ना ये 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 आड़ा पट्टा और ये ये है ये दिव्य ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान शंभो का है ये इनको पालन करने वाले इसके ऊपर ये तीन शुल मार्ग के ऊपर चलने वाले ये सगा ये अपना गोडिया सगा है ये पूरा कितने एक से लेकर सात तक अभी ये ये हमारा जो गोंडियन नॉलेज को मोती कंगले दादा ने और सुनैर सिंह ताराम दादा ने गोंडवाना दर्शन से सारा जगत गोंडियन समाज को जागृत किए अभी इसके ऊपर विचार मंथन कर रहे लोग और इसके ऊपर चल रहे और इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे अभी ज्यादा ख्याल करके बच्चे अपने पढ़, पढ़ रहे और लिख रहे वो लिखने वाले बच्चों को अपना पारंपरिक ज्ञान को साइंटिफिक नॉलेज के ध्यान से उसका एनालिसिस कर रही अभी एक आठ दिन के पहला गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में मेरा एक ऐसी एक लाइव का और उन लोग मेरे को आगवान करे थे मैं धन्यवाद चाह रहा हूँ कि जैसे निशा दुर्वे और वैशाली दुर्वे जैसे भो, भोपाल से वो बेटी मुझे और जैसे कि फनीष कुशारे वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो हमारा वो नई पीढ़ी है जैसे कि वो नई पीढ़ी में एक एक सा सोना का जैसा जैसे सोनार सिंह ताराम का जो विचार था वैसे ही विचार वो सोने का जैसा विचार वो अपने मेरे आ, नए पीढ़ी को है अभी उनको हमारा जवाबदारी क्या है हमारा जो ज्ञान है वो नया पीढ़ी को देना जरूरी है वो नया पीढ़ी को अपन देंगे तो नया पीढ़ी को वो नया पीढ़ी उसके ऊपर कुछ उनको संभालना पड़ेगा जैसे कि एक समाज के लिए एक भाषा उनका मातृभाषा उनका जननी होता है उसका दर्पण होता है एक संस्कृति और इनका जो पुण्य ये तीन, ये तीन, ये तीन से ये 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 तीन में से अगर एक भी चले जाएगा एक एक भी जाएगा ये एक भी जाएगा अगर भाषा चले जाएगा तो उनका संस्कृति संस्कृति चले जाएगा संस्कृति चले जाएगा तो फिर बाद में उनका उनका पूरा जात भी और उनका पूरा भी चला जाएगा ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे लिंक है अभी देखिए ये जन्म का हुआ जन्म होने के बाद पूरा विवाह संस्कार का अभी बताऊंगा मैं विवाह संस्कार का ये देखिए विवाह संस्कार का इसमें हमारा मर्मिंग मर्मिंग में जैसा मंडप डालते हैं ये मंडप में नौ डेरी होता है डेरी नौ डेरी नौ में और आड़ा में जो सोला सोला पट्टी लगाते हैं इसलिए गोंडियन संस्कृति में और गोंडियन का जो नेंग दस्तुर में सोलह दर्त्री और नौखंड पृथ्वी सोलह दर्त्री नौखंड पृथ्वी जैसे कि काली दीप बताते वो सिंगरकली द्वीप में अभी नौखंड पृथ्वी में सिंगर का ले को पांचखण्ड धरती जो पांच कर्ण धरती में अपना शंभु गौरा का राज था वो जोड़ी को शम्भ गौरा का राज को वो जोड़ी को हम आदर्श जोड़ी मानते हैं गोंडियन संस्कृति में जैसे कि वो आदर्श जोड़ी थे अच्छा पालन करे जो इसलिए लिए गौरा का, का काल को अभी ये मर्मिंग में अभी नवडेरिंगा मर्मी सोरा सोराधर अनि नौखंड पृथ्वी इधु इधु जो मावा मरमिना भोला वायर इध भोलता का इत पटा ते सही मावा टोटल मावर नेक दस्तूर इगिसतीरा अंत अन इगिने इदे तरीका ते वेनकी नंबर 2 हां माव बोलतगा उपसंतमनी करे कोपांत संतम जो नालुंका कानी नड मुंदी बीच में एक दीपक और चार कोण चावंग में चार दीपक जलाते हैं वो देखिए पंच तत्व का भी उद्देश्य होता है वहां पे एक माटी का होता है तो वो माटी का एक क्या बताते वो पानी का मट्टी का वो कोपा गोडी में कोपा बताते उसमें तेल और पानी अंदर रहता है और उसमें दीपक जलाते हैं जैसे कि धरती आकाश और वो अब साइंटिफिक है वो हाँ जैसे कि मट्टी का वो मड़का होता है और उसके ऊपर अंदर पानी डालते हैं फिर बाद में ऊपर उसको अग्नि का अग्नि तत्व का दीवा जलाते हैं अब देखो अभी वो भी साइंटिफिक नॉलेज है वैसे के लिए अभी अपने लोग वो परंपरा जब से करते आ रहा तो अभी भी करते आ रहे अभी देखिए एक मेरा जन्म का हुआ और जो नए दस्तूर और उत्पादन का विवाह संस्कार विवाह संस्कार में होने के बाद विवाह संस्कार में ये ऐसा एक पेन पट्टा जरूरी है वो पट्टा भी वो पेन पट्टा भी जो नवग्रह है ऊपर नवग्रह है जैसे कि वो पेन पट्टा में मैं जैसा कि उस करने के लिए जो ऊपर में गढ़ है और नक्षत्र है और तारे हैं उनको पेन पटा ये सर्किट में आगवान करते हैं वो भी उन लोग वो इसे आके स्थापन होता है जब विवाह संस्कार में अच्छे योगदान मिलता है और सुख शांति का लाभ मिलता है अब रहा अभी एक जन्म और ये विवाह संस्कार विवाह संस्कार होने के बाद अपना मृत्यु संस्कार मृत्यु संस्कार में हर एक विस्तार में जीवन होता है जन्म और विवाह और मरण अभी दो हुआ है अभी मरण मरण संस्कार में मरण संस्कार में अभी तो मैं कभी भी अपने पुरखा लोग को बताता अभी जैसे कि पहले हम बताए थे देखो अपना बारह सगा ये बारह सगा कुपार लिंगों ने दिया था ये वेलकी मरा वेलकी मरा होता है जैसे बारह सगा में ये वेलकी मारा के नीचे ही पाणी कुपालिंगों को बौद्धिक ज्ञान होगा तो उन्हें सगा बात देते वक्त ऐसा एक पत्ता देकर एक पत्ता देकर एक सगा एक एक वेन एक सगा ऐसा एक एक को तो ऐसा इस एक एक ही झाड़ में एक से लेकर बारह एक से लेकर बारह पत्ते होते हैं एक ही पत्ता वाला एक फांटा होता है दो पत्ता वाला दो तीन वाला तीन चार वाला चार ऐसा बारह तक होता है उसीलिए उस मर्रा को बेलकी मरा गोंडी में मरा वेल की मरा, याने वेल की मरा या वृक्ष उसी यानी ट्री बताते इंग्लिश में देखिए हमारा ट्री स्वतः सिद्ध है अब लिखने का ट्री जरूरत नहीं है हम लोगों को अपना गोंडियन संस्कृति में और गोंडियन इंडिजिनियस नॉलेज और पारंपरिक मोदी वो बेलकी मरा को देखकर अपने को पहचान सकते हैं जैसा अपने को जो बेलकी मरा का अज्ञान है उसे ही उसको सेमर पेड़ भी कहते हैं और वेलकी मरा जैसे कि वेल वेल वंश का वृक्ष ऐसा वो वेलकी मरा उससे क्या होगा वेली आकी मरा। उनका वंश वृक्ष वंश वृक्ष का वेली आकी मरा वेली आकी मरा वो वेलकी मरा हो गए जैसे कि उसी सेमर तरे पहाड़ी पारी, पारी कुो को मधुवे का अज्ञान होगा अभी एक और एक मैं इन्हें बता रू जैसे कि पहला बता दिया था महुआ का तर्पण अपना गोंडियन परंपरा में और गोंडी मोदी जैसे कि है अभी कोया, पूल। कोया पूल याने इरुक ये इरुक पुवार है ये इरुक पुवार कहते हैं ये हिरुप पुंगार मेरा अभी ये हिरुप पुंगार से मेरे को अभी मुझे अपनी कवायित्री दाई याद में आ रही जैसे कि मैं वाना दर्शन में एक किताब में कि वो हमारी गुणियन जो अनगणित पता लेकिन उस पढ़ना मेरा कि वो वास्तु का नाम ही इरुक लग इरुक पढ़ने के बाद मुझे इरुक का और वो बेटी का इससे और वो ये फूल से और वो बेटी का इनकॉर्पोरेट मनोभावना अपनी उषा किरण दाई ने लिखी अब उस तो उसका वर्णन और वो अपन होता अपन सहन नहीं कर सकते जैसे होता सहन होते हुए, होते, होते हुए कहानी मुझे अभी भी आधा रात को भी वो मेरा दो आंख के सामने घूमते अभी मैं इस इरुक का कहानी के ऊपर से को भी नमन करता हूँ जैसे कि ये हमारा पेन को पवित्र पुष्प अमर फूल पवित्र पुष्प अंजरे के इद पवित्र पुंगार इद पुंगार हर एक कोई भी मेरा नॉलेज के मैं एनालिसिस कर पेन को चढ़ाना है या देव को चढ़ाना है फूल तो वो फूल के लिए अपन जाकर तोड़ना पड़ेगा वो फूल को तोड़ना पड़ेगा वो तोड़ के भगवान के पास चढ़ाते लेकिन ये फूल है जैसे कि ये इरुक पुंगार है ये पुंगार आपो आप नीचे गिरता है इसको तोड़ना नहीं पड़ता है इसलिए ये अमर पुल बन गई इसको छूना नहीं कभी भी ये इसको छूना नहीं पेन को ऊपर डालने का भी है तो छूना नहीं इसका ये इुक का है एक ये ईरुक का धर्मगुण है जैसे कि पुल है पुल दूसरा पुल एक घंटा या दो घंटे में उसका जो अस्तित्व है पूरा मिट जाएगा गंदा हो जाएगा खराब हो जाएगा लेकिन ये इल है ये है है ये इरुक, पुंगर है, ये इरुक है। इसका देखिए के बाद भी, के बाद भी इसका स्वास्थ्य स्वता सिद्ध रहता है कितना पुराना हो जाएगा होता इसका सेंट ये झड़ा जाता अप अप नीचे गिर जाता है और एक इसका है कि भी अपना को देखिए अभी महात्मा का है इसे ही अमर पुल कहते हैं और कोया ತೇನು ಕೋಯಗಿರಿ ಇಂತೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಗ ಬಾಲಾಘಾಟ್ ಅನಿ ಚಿಂದವಾಡ ಜೋ ಮಧ್ಯ ಮದ್ಯ ತಗ ತೇನು ಕೋಯಗಿರಿ ಇಂತೇ ಹಿರುಗ್ ಪುಂಗಾರ್ ಕೋಯಗಿರಿ ಇಂತೇರ್ ಇದು ಇದು ಹಿರುಗ್ ಪುಂಗಾರ್ ಮಾವ ಪೆರ್ಸಪ್ಪ ಎಂದಾಗ ಮಹತ್ವ ತಮ್ಮ ಹಿರುಕ್ ಪುಂಗಾರ್ ವಾಟಲ್ ಆಗ ಇದನ್ಗ ಇದ್ಗಿರಿ ಈತಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಂತಿ ಬಚೋರ್ ಪಡಾನ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಉಂದಿ ಮಾವರು ಅಸ್ಕೆಲ್ पुर का लोग क्या करते थे पैसा पेन को चढ़ाने का है पुल चढ़ाते थे वो दे है अपन पेन को पवित्र पुल चढ़ाना पेन को पवित्र पुल चढ़ाना तो अपन उसको हाथ से छूना भी नहीं हाथ से छूना भी नहीं करके क्या करते थे यही पत्ता है यही महो का पत्ता है ये महो का पत्ता का थोड़ा सा दोनों जैसा करके जैसे कि ये 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 है अभी ये सूखा हुआ है अपना जो परसा पेन का मार्च का टाइम पे तो तो नहीं मिल रहा कैसा करेंगे ऐसा सोच थोड़े लोग को आगे थोड़े सोच लोग अपने पूर्व लोग और पूर्व का लोग का पारंपरिक क्या करें अरे ऐसा है ठीक है पेन को ताजा फूल चढ़ाना चाहते तो सही चढ़ा सकते वो कौन सा महुआ का फूल ही वो पुरका ने बताया पुरका लोग ने उसको पानी में भुगा भिगा दो पागे में भिगाने के बाद उसका स्वतः सुख जैसे कि नेचुरल रूप उनका पहले तो सही देखिए यहाँ पे देखिए ये पानी में भिगो दिया अभी पानी में भिगाने के बाद उस आ गया जैसे कि पुंगर बन बन गया गया ताजा फूल बन गया। अभी देखिए ये शुका, शुका फूल है और ये ताजा फूल है ये ताजा फूल को अपन सुना भी नहीं करके ये क्या करे अपने पुरका, पुरका लोग ने एक वही अपना क्या बताते महुआ का पत्ता से दोना बनाकर लेकर पेन को चढ़ाते अभी थोड़े लोग अपने लोग अपने लोग बताते कि वो ये महवा, महवा को से वहां पे अर्क तैयार होता या दारू बनाते या लिकर बनाते नहीं अपना लोगों का ये दारू और लिकर बनाने का जो कुछ था वो दारू और लिकर बनाने का प्यूरिफाई करने के लिए पेन को संतुष्ट करने के लिए इसलिए अभी अपने लोग वो महा पुल को पवित्र पुल मानते हैं कितने भी दिन रखेंगे तो उसका सुगंधा हाँ अभी ये ये एक ये महुआ पुल का अभी देख पवित्र पुल महुआ पुल है और पवित्र फल पवित्र फल देखिए तोया फल तोया फल तोया यानी उम्र की वो क्या बता की फल को उम्र की फल खाने से जैसे कोई भी एनिमिक पेशेंट रहेगा वो सुबह और शाम को उम्र का फल खाए तो उसका एलिमिक प्रॉब्लम क्योर हो जाएगा वो गारंटी है जैसे कि और फल में फल है ये जैसा कि इसका सुन सुगंध समेट कर रखी ये अमर फूल है और अमर फल गोंडी में भी है वो अमर फल है जैसे कि अभी एक पेड़ बताया ये तेंदु का पेड़ बताया ये तेंदु का पेड़ और ये तेंदु का फल तेंदु का फल फल होने के बाद सूख जाएगा सूख जाने के बाद वो उसका मीठापन समेट कर रखेगा कितने दिन तक भी वो समेट कर रखेगा जैसा बनेगा अंदर का वो कितना फूल महुआ फूल फल में श्रेष्ठ फल गोण्डियन संस्कृति का वो तेंदु फल या तोया फल अपने लोग वो उम्र का फल उंबर का पेड़ दिखा वहां पे फल लगे रहेगा तो वहां पे एक ना एक फल खाके आगे बढ़ते थे। हमारे गोंडियन में एक कहावत है तोया, तित्ता, सही तित्ता, क्यों तो तोया तिता सही तो एनिमिक प्रॉब्लम है बोल के पता नहीं लेकिन एनिमिक को कैसा प्रिवेंट करना एनिमिक नहीं आना तो जब वो तोया खाए वो एनिमिक प्रॉब्लम आएज नहीं को तो भी प्रिवेंट करने का इनको अपना कोयन कोयन नॉलेज में समेट करें अभी देखिए अभी अभी महवा एक तो बिला का दिया हूं, बिलावा का साइंटिफिक नॉलेज पारंपरिक का और शास्त्रीय ज्ञान का अपना ये क्या बताते महवा और ये क्या बताते वो मर्दिमरा मर्दिमरा यानी साजा पेड़ गुणधर्म देखिए अपना साजा पेड़ साजा पेड़, पेड़ देखिए बहुत बड़ा होता है जमीन में होता है उस साजा पेड़ के नीचे उस इस प्रदेश में खादन होता है, और जिस जमीन में होता है, जो स्थान बनता है वहाँ पे बम्बी बनती है उस जमीन के नीचे हमारा पारंपरिक नेंग दस्तूर को साइंटिफिक नॉलेज पे मेरा संशोधन कम का। हुआ ये संस्कृति पर नेंग, नेंग दस्तूर के ऊपर अपने का अपनों को मैं मेरा नॉलेज बताने लेके बताने के लिए प्रयास करा हूँ ऐसे ही अभी जो साहित्य के ऊपर मेरा संशोध जाऊंगा अभी जैसे कि पहा पारी जैसे कि शंभो गौरा वो अपना संयुग भई का शंभुशेख था उनका त्रिशूल मार्ग के ऊपर शंभुषेख ने वरदान दिया था जैसे अपना पहादी पारी कु ने अपना सामाजिक था सामाजिक और साहित्य भी था विषय में इसलिए मैं अभी जो अपना पारंपरिक को साइंटिफिक नॉलेज के जरिए बताया अभी मैं पहाड़ी पारी लिंगों का फिलोसफी के ऊपर भी मैं चार बात निवा रखना चाहू जैसे कि अपना नार व्यवस्था में पहादीपारी कुपालिंगों ने जो अपना संस्कृति का नेक दस्तूर का जनक जंगो रायताड़ और पाणीपाह कुपार लिंगो और शंभुशेख ये तीनों मिलकर और जैसे कि हीरा सुक्का पाटालीर ये हीरा सुखा पाटालीर और जंगो रायताड़ और पानीपाहरी कुपार लिंगो इन लोग ने गोंडियन संस्कृति को बनाकर अपने को अपना पीढ़ी को दिए है इसलिए अभी पहादीपारी कुर्लिंगों ने उनका जो कुछ सिद्धांत था वो सिद्धांत अपना गा, नार व्यवस्था में पहला सिद्धांत बना जैसे कि नार, नार का सिद्धांत में पहले ही बताया गांव में जो पोई होता है पोई यानी पटेल और बुमका यानी जंगोलिंगो लिंग, जंगो मुकर्दम मुकर्दम याने नार नेंग नेकी जैसे संस्कृति के ऊपर और ये देखिए ये पांच पारी कुपरलिंगों का पांच तत्व का वंदनीय ये है वो नालों पाडिंग जैसे कि नालू सीयू सारू येड़ू और एक गोटुल गोटुल और एक है जैसे कि पांच पांच पारी कुपरलिंगों का पांच वंदनीय सूत्र है वो पांच वंदनीय सूत्र के ऊपर अपना समझ रचना हुई है जैसे कि एक से लेकर बारह सगा बताइए जैसे कि हमारा जो बीमल पेन है बीमल पेन के देखिए बीमल पेन लोग ये हमारा पूर्वज ने बता रहे थे कि कलित और ये महाभारत का भीमल नहीं होता ये कलितर भी योगदान था सात लोग थे और पांच बहना थे अपना ग्राम व्यवस्था में रचना करने के लिए भी पेन का आधार लिए जैसे पहादीपारी कुपार ने भीमल पेन गांव में गोटुल बसाया सांस्कृतिक केंद्र वो गोटुल को सांस्कृतिक केंद्र बताते वो जैसे कि पहादीपारी कुपार का जो उनका पांच वंदनीय जैसे पहाड़ी कुपार लिंगो ने और शंबोशेख का जब सम्भोस का काल में तो जैसे कि सगा नहीं था कुछ नहीं था जैसे कि वो पेन 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 का युग में जैसे पहाड़ी पारी कुपार लिंगो ने अपना सगा संरचना किए जैसे कि पौरपाटा गावा और वेल्किमरा का सेमर पेड़ के नीचे उनका बौद्धिक ज्ञान होने से अपने को अपना संस्कार का और सांस्कृतिक रचना करके अपने को एक पता दे के जैसे एक से बारह तक सगा घटक का बनाकर और बनाते वक्त बना के भी पहली पारी और लिंगों ने अपने को प्रकृति से जुड़ा दिए प्रकृति से जुड़ाते प्रकृति परे नहीं हो सकते जैसे कि एक से बारह घटक बना दिया बारह सगा ऊंधि तालते बारह सगा सगन को बेहकी अव सगन आत्म सगन को बेहकी मल्ला टोटेम व्यवस्था एन जैसे टोटेम व्यवस्था को जैसे कि एक से बारह घटक का हमारा सगा घटक बारह एक टोटेम जैसे कि एक तीन टोटेम हर एक घटक में तीन टोटेम जैसे कि एक पक्षी एक पति और एक जंतु ये तीन का सम्मिलित करके जैसे कि ये बारह घटक में से वो ये सगा जन की ये तीन को पारित करना पड़ेगा जैसे कि नेचर नेचर का बहुत बड़ा योगदान था जैसे उनका सोच धारा था जैसे कि वो पहादी पारी ये अपना सगा घटक रचने से पहले पहादी पारी कुपालिंगों ने उनको लिंगो जंगो जैसे कि इनका उनका जो सेवा लिंगो और जंगो ये लिंगो याने याने चंद्र वाला पहादीपारी कुंगो ने करा उसके ऊपर से पहादिपारी कुलिंगों ने उनका सिद्धांत बनाकर वो सिद्धांत को मुरक्का सरी कहते हैं जैसे कि मूड सरी मूद वे, वेड़ची वही है मोद यानि वेडची याने उजाला उसीलिए अने मोद मोदोदा सरी उसको मोड़ोका सारी मोड़ोका याने पौधा से लेकर बनी तो वो वो सरी जैसे कि अभी मेरा सिद्धांत में अभी पहादी पारी कुों का तो साहित्य में तो और साहित्य में कितना भी अपन बढ़ते रहेगा जैसे कि समंदर कितना भी पानी छोड़ेंगे तो समेटेगा उसीलिए अपना साहित्य के जरिए मानना पड़ेगा साहित्य कितना है तो साहित्य उनका बढ़ते रहेगा इसलिए त्रिकारण सिद्धांत ये पहले बता दो यहाँ को जन्म विवाह और मरण संस्कार ये भी त्रिकारण सिद्धांत इसको इसे भी अभी गोंडियान संशोधन में टुंडा मुंडा कुंडा टुंडा मुंडा कुंडा यानी टुंडा का अर्थ क्या है पहले ने मैंने बता दिया था पांडीपारिक लिंगों का ज्ञान से मैं बता रहा अभी जैसे टूंडा टुंडा, टुंडा यानी नहीं टुंडा यानी तेंडा टेंडा यानी अवॉइड करना अब देखो साइंटिफिक नॉलेज में अभी पांडिपारिक ऊपर लिंगों का ज्ञान को देखेंगे उसका एनालिसिस में देखेंगे टेंडा क्या टेंडा है जब वेल से एक फल या पेड़ से एक फल को अपन डिटैच करते वही टेंडा है वही टेंडा है फिर बाद में मुंडा मुंडा यानी अपना विवाह संस्कार में मुंडा गाड़ते हैं मंडा डालते हैं जो मंडा है उसको जो टुंडा और मुंडा मुंडा विवाह संस्कार होता है और कुंडा कुंडा याने कोपा कुंडा याने कोपा ये मरण संस्कार के ऊपर में वो अपने को दफनाने का विधि है गोणिया संस्कृति में दफनाने का विधि है वो वो कोपा में रखना है वो एक कुंडा है वो कोपा में रखना है एक कुंडा है अभी एक महत्व का और एक इसमें ये जन्म संस्कार जन्म संस्कार और विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार इसमें भी मैं चलते वक्त देखा कि पहला अपन जमीन में बीज बोते वक़्त हमारा जो पुरखा लोग ने अपना गांव का गाभुर की कहते हैं जो गाबुरी गांव का मध्य स्थान में एक पेन होता है वहां पे वो देव में और बाकी का गांव में कितने देव है वो बीज को देव का दर्शन के लिए और देव को बताने के लिए देव देव से वहां का रख के देव का वो पेन का नमन करके वो बीज डाल डालने ले जाते हैं तब देखिए वो बीज में रखते हैं वो बीज देखिए खाली ऐसा नहीं रखते हैं अब देखिए ये क्या है ये प्लस का पत्ता है ये क्या है प्लस का पत्ता ये प्लस का पत्ता अपना गोंडियन का क्या बताते जंत्री सास ने ये क्या बताते हैं उसका पंचंग अब देखिए ये देखिए ऐसा निकले है ये पूरा कारते है पानी का पानी का कितने होते हैं जैसा कि इधर से छ और इधर से छ बारह कारते होते हैं ये अपना जो कुछ एग्रीकल्चर व्यवसाय करते हैं पानी का कौन सा कार्ति में कितना पानी है इसके ऊपर से उन लोग महसूस करते हैं कि इस कार्ति में पानी कम है इस कार्ति में ज्यादा है ये इस कार्ति में आधा तक पानी है आधा तक कम होता है और आधा तक कम है ज्यादा से ज्यादा होता है ऐसा इसके ऊपर से अंदाजा लगाकर उन लोग व्यवसाय काम करते थे ये देखिए अपना ये गोंडिया निज्ञान का ये गोंडिया निज्ञान का क्या बोलते इसको उनका जो जंत्री ज्ञान जो कार्तिका पानी पानी कर काम करते थे जहाँ लिखा पढ़ी नहीं था लेकिन यही उनका लिखा पढ़ी था अपना गोंडियन पारंपरिक ज्ञान अभी एक साइंटिफिक ज्ञान बता तो ये उन लोग जब पेन को बताने के लिए पेन का अर्पण करने के लिए बीज ले जाते बीज ले जा जा जाए तो यही प्लस का पत्ता का दोना बनाते प्लस का पत्ता का दोना बना के ये प्लस का पत्ता का दोना को वहां पे पेन का अर्पण करके वहां पे एक रात भर रखते वो दोनों के ऊपर वो बीज के बींज के ऊपर ये और एक पलस का पत्ता ऊपर के ढका रखते हैं वो ढका रखने से रात भर में फिर बाद में सुबह के बाद वो बीज ले जाकर खेत में बोवाई करते हैं अब देखिए ये पलस का पत्ता और उसके और ये अपना बीज को ढका रखने का वजह देखिए अब देखिए जो मरणोपरंत अपना पार्थिव शरीर होता है पार्थिव शरीर को जमीन में रखने जाते वक्त ये पत्ते का ये एनालिसिस ऐसा होगा जब बीज को रखवाला करी ये पत्ता जैसा कि जमीन में डालते वक्त ही उसको अच्छा किसी तरीका का पोल्यूट खराब ना हो जैसा रखा कौन सा पत्ता ये पलास का पत्ता जैसे ही अपना बाड़ी को भी ये पलास का पत्ता रखता करके ये अपना ये प्लस का पत्ता तीन तीन पत्ता का वो लगा के पार्थिव शरीर में ऐसा बाजू बाजू में सिदूरी बोलते गोडी में सिदूरी ऐसा बाजू में और सर के ऊपर और अपना कहाँ जगह पे ये शरीर को कोपा में रखते हैं देखो हमारा गोडी नॉलेज देखिए वो देखो जब वैसा कितने दिन में उसको स्वच्छ रखकर माटी में माटी के में मिलने का कार्य करती है प्लस पत्ता प्लस पत्ता उत्ता पावरफुल है अभी देखिए ये गोंडियन नॉलेज था ये इंडिजिनियस नॉलेज है जैसे कि और भी सामाजिक इधर आएंगे तो सामाजिक ऊपर टुंडा मुंडा कुंडा का ये टुंडा मुंडा कुंडा का होगा फिर बाद में अपना व्यवसायिक में जैसे कि ये पहला त्रिकारण सिद्धांत था मुंडा कुंडा एक होगा और दूसरा पांदी पारी कुपाल ने बताया सिद्धांत था बिल्कि मरा सिद्धांत बिल्कि मरा सिद्धांत अब देखिए अपने बिल्कि मरा सिद्धांत में वेली आकी था मावा पारिसूर पुटन जैसे वेली आकी में अपना सगा सूर का जो कुछ नए दस्तूर है वेली आकी में उसके ऊपर से जरिए अपना जीवन यापन करना पाल पारी किया ना पाल पारी या यानी दूध पतरना दूध का पतरना है मेरा माँ सात पेन वाली है और मैं विवाह लड़की चार पेन वाली है वो मैं मैं पांच पेन वाला लेकिन मेरा माँ सात पेन वाली लड़की का चार चार पेन वाली है लेकिन उसका सात पेन वाली अब देखो हम हम दो जने क्या होते भाई और बहन मैं भी सात सात पेन वाले का दूध पिया हूँ लड़की भी सात पेन वाले का वो अपने में बहुत बड़ा योगदान है और वो वो नॉलेज है जैसे कि उसको परे करते जैसे कि अपना सगा संबंध भी सम विषम से करना जरूरी है ये दूसरा आ, दूसरा हुआ और ये तीसरा है तीसरा सिद्धांत देखो ये पहामिजन पद्मिजन का दस मिजन, पद मिजन, ये। दस मिजन का ये जमावु बसा सिद्धांत तो जमकुड़ो सिद्धांत जम सिद्धांत ग्राम व्यवस्था एकत्र रहने का जैसे कि गोंदोला ये ये सिद्धांत जैसे कि पेनगड़ा नारगडा राजगडा वरवागडा मुटवा पोय व्यवस्था ये जमव बसा सिद्धांत में आहे गा इव जमव बसा सिद्धांत गा इथं मोडव सिद्धांत नगा पाहि पारुकी तशी सिद्ध ते नगा बदल पेनगडा नारगडा राजगडा वरवागडा मुटवा पोय इथ मल्ला पोय पोय इतके पाटलाल भूमकाल नेकी नेक ना काम सुडाना जो भूमका है वो नेकी नेक दस्तूर का काम देखना पडेगा गायता ये पूजा पाठ करने का जैसे कि सुकार्य करना ये और सोनीदाई जैसे कि मैं पहला बताया था देखो गए ना कॉलेजिस्ट करके ये सोनीदाई ये भक्तल है देखो ये सगुड ये साइक्रेटिस्ट उनका साइकोलॉजिस्ट ये ये आयुर्वेद का ये झारपुक ये करना और वन का करेगा ऐसे जैसे कि ये, उनको साइकोलॉजिस्ट ये ही न, ऐसा साइकोलॉजिस्ट ऐसे अपना नार व्यवस्था में और त्रिकाल एक त्रिकालिक बदलने वाला जो क्या सगुन देखता है चालू करता है कि जैसा लकड़ी का ये वो जैसे कि तंत्रिक का देखकर उसका जो कुछ मन में शंका दूर करने के लिए करता है। और है, गोडुम डिप्पा सिद्धांत गोडुम डिप्पा सिद्धांत ये गोडुम डिप्पा सिद्धांत देखिए जैसा सामूहिक व्यवहार सामूहिक व्यवसाय जैसे कि एक दिन के लिए या जैसा श्रमदान ये श्रमदान को जैसा पहाड़ी पहा ऊपर लिंगों का काल में गोडून डिप्पा सिद्धांत बताए ये देखिए अपना गोंडियन का जो सामूहिक लाइफ स्टाइल जैसे की सिद्धांत है जमकुड़ो सिद्धांत यानी एक विचार मंथन करना एकत्र बैठना एकत्र बैठकर कर हा? विचार मंथन विचार करना और संशोध और विश्लेषण करना ये सिद्धांत को जमकुडो सिद्धांत जमकुड़ो जैसे कि कुदो जम, एकत्र होना उसे जमकुडो सिद्धांत ऐसे बताइए और अभी टुंडा पहला बताए थे जन्म संस्कार टुंडा में टुंडा तो ना नाल से और ये फल फल, फल फल एक पेड़ से और एक वेल से एक फल को डिटेच करना अलग करना वो टुंडा बताए टुंडा लेकिन अभी सामाजिक में सामाजिक में आएगा तो ये टुंडा का सिद्धांत थोड़ा सा रूपांतर हो जाएगा थोड़ा सा बदल जाएगा चेंज हो जाएगा जैसे कि बहिष्कार जैसे में हमने सामाजिक बहिष्कार ये सिद्धांत ठीक नहीं है लेकिन ये बात समुचित नहीं है सामाजिक बहिष्कार अभी वो माना माना मना करना पड़ेगा जैसे कि सांगिक का उनका समाज का थोड़ा अलग उनका परे करना पड़ेगा ऐसा उसका नामकरण होना चाहिए जैसे कि गोंडी में सारा बंद की तौर जैसे कि उसका जो गांव में एक कार्य के लिए कुछ डोन करना होता डोनर करना होता है या चंदा देना होता उसके मना किया जाता है जैसे मतलब अनगणित किसी कार्य होता है और अनगणित स्थिति किसी कार्य को एक्सेप्ट नहीं करते जैसे कि यह सिद्धांत में उनको बहिष्कार किया जाता है और उनका उनका कुछ पेनल्ट, पेनल्टी पेनल्टी, सामाजिक सामाजिक वो वो पनिशमेंट के ऊपर वो समाज विश्लेषण करेगा पेनल्टी है वो पेनल्टी के बाद और भी फिर बाद में समाज में शामिल करते वो टुंडा सिद्धांत है और ये ये अभी मैंने बताया और विवाह संस्कार का जैसे कि सम विषम और दूध पालन करना आ, और दूध लौटाना ये सांस्कृतिक विचार में ये ये, ये देख देखकर होना चाहिए और पाल पारी किया ना, इसमें देखिए हमारे नॉलेज गोंडियन नॉलेज का जैसे दूध का फहरेज और नॉलेज है देखिए एक ही दूध वाले होएंगे मैं साथ साथ गोत्र का दूध पीकर और मेरा मिसेज भी छह देव वाले रह के भी सात देव का दूध पिया होगा और मेरा विवाह दोनों का विवाह संबंध हुआ होगा तो ये इन लोगों का विवाह संबंध जुड़ जाएगा ठीक है लेकिन अगला जन्म लेने वाले पी को रहे है। अपना का नेंग दस्तुर है सम विषम का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और दूध को परेदना पड़ेगा दूध दूध लौटाना बताते हैं लेकिन दूध को खर्च करना पड़ेगा ये हमारा गोडियन संस्कृति बताए अभी तक मैं जो नॉलेज हमारा था वो और कुपरलिंगों का संशोधन का गोडियन संस्कृति का एनालिसिस बताया मेरा मे, मेरा एनालिसिस में ये मेरा धारा है मेरा विचारधारा के ऊपर से मैं एनालिसिस करके अभी मैं बता रहा हूँ और तो साहित्य का हिसाब से देखूँगा तो मैं देखो मेरा 2004 से लेकर मैं शिक्षक रहते हुए समाज सेवा करते हुए और मेरा अपना नेक नेक दस्तूर के ऊपर भी ध्यान देते उसका एनल्सिस, एनल्सिस हुए उसका एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस करते वक़्त और शास्त्रीय धोरण से उनका ख्याल देते वक़्त उनका रिफाइनमेंट कैसा करना उसके ऊपर ध्यान देते हुए देते हुए मेरा और साहित्य के ऊपर भी मेरा ध्यान हमेशा टहलते रहती थी तो साहित्य ऊपर भी मैं काम करता करता क्या हुआ दो से एक प्रोग्राम आई थी कि एन नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क जैसे कि महात्मा गांधी और उन लोग थे जब एन ने प्रोग्राम जैसे कि जिसका मातृभाषा में उनको पढ़ाई होना चाहिए जो एन एफ ई बढ़ता थे लेकिन अपना जो गोंड आदिवासी का या गोंड लोग का इनका मातृभाषा गोंडी है इनका रोता पल्लो गोंडी मनता बती साढ़ाता करीवालो ಬೆಹಂಕಿ ತೆಲುಗು ಯಾ ಮರಾಠಿ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಯಾ ಬದ್ದುಸ್ರೋ ಬತಿ ಈಗ ದಿಕ್ಕತ್ ಬತಲ್ವಾತ ಮತ್ತ ಕಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗ ಸಾಡ ಕರಿವೆಡಗ ಮಾವ್ರು ಕಾಣ್ರಿ ಪಜಾವ ಅಂದಿರಿ ಭಾನ್ ಪಜಾವ ಅಂದಿರತ್ತಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ರೋತ ಗೋಂಡಿ ಅನಿ ಸಾಡದ ಸುತ್ತೆಲುಗು ಆತ ಅವ್ರು ಮಾಸ್ತರನ ಭಾಷೆ ಬೆಹಂಕಿ ತೆಲುಗು ಅನಿ ಮಾವ್ರು ತಿಡ್ರ್ ಸಾಡತೆ ಸೋನವಲ್ ಪೇಡನ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ಊರು ಇವರಾಗ ಸರಿಗ ಸಂಬಂಧ ಆಯವಸಂಜಿ ಮಾವರು ಸಾಲ ತಗ ಕರಿವೆಡಗ ಪಜಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇದೇನು ಧ್ಯಾನ ತೀರಿಸಿ అది ఎన్ఏపి మదర్ టంగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వల్ మత్తా కాబట్టి అది మదర్ టంగ్ ఎడ్యుకేషన్ తే వయ నంజిరే ప్రయస్ కి 2000 చార్దల్ మల్టిలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్వల్ ఉంది ప్రోగ్రామ్ వాత అది ప్రోగ్రామ్ మే మల్టిలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ కర్కే ప్రోగ్రామ్ అయితా उस ప్రోగ్రామ్ మే 2400 హం షామిల్ హోకే మే కోఆర్డినేటర్ కామ్ కర్ రాతా జైసే కి రచనాకర్ బి అవర్ కోఆర్డినేట్ కర్నా జైసే కి నాన్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు wale టీచర్స్ లో और अपने रचना करने वाले अपने लोग और गोंडियन अपने टीचर लोग सहकार्य करना को, कोरिलेट करना उससे वो काम करते करते मैंने पहली कक्षा से लेकर पांचवी कक्षा तक गोंडी में हम लोग ने किताबें लिखे और अपने नन्हे नन्हे बच्चों को गोंडी में किताब बनाई वो तेलुगु तेलुगु स्क्रिप्ट में हमारा मुद्दा था बच्चों को तेलुगु सीखना ही था लेकिन उनका मातृभाषा के जरिए तेलुगु सीखना हमारा एक मुद्दा था वो सही सक्सेस होगा जैसे सक्सेस होगा कि बच्चा को मैं तेलुगु सीख ऐसा महसूस नहीं होता था क्योंकि नॉन लैंग्वेज उनका लैंग्वेज गोंडी है लेकिन स्क्रिप्ट रहती थी तेलुगु पहला उनको तेलुगु स्क्रिप्ट उनको सिखाते थे उनका तो वर्णमाला कंप्लीट होते ही हमने पहली कक्षा में उनका भाषा देखिए गोंडी भारती उसका भाषा इसमें ये पहली की कक्षा में अस्सी प्रतिशत एटी परसेंट उनका भाषा और भी स्क्रिप्ट क्या तेलुगु का तेलुगु से उनका बातें उनका कथा उसका गाना उनका इतिहास उसका संस्कृति इस किताब में बच्चों को देकर पढ़ाने का प्रयास करें और पढ़े भी बच्चे ये किताब एक एम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्चर और ये एम टी बुक है ये टेक्स्ट बुक है ये टेक्स्ट बुक जनरल टेक्स्ट बुक को, ये बुक को पढ़ने के लिए दस महीने का अवधि लगती थी लेकिन ये उनका मातृभाषा में अपने बच्चे ये किताब को तीन ही महीने में फिनिश कर देते और स्कूल में ज़्यादा रहने के लिए बच्चे चाहते थे पढ़ने के पढ़ने के लिए ज़्यादा लोग नकराते थे, थे लेकिन ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बहुभाषा विद्या विधान आने से बच्चे स्कूल में ठहरने के लिए रिटेंशन बढ़ गई थी उनका ड्राप ड्राप आउट कम हुआ था जैसे कि ये पहला कक्षा है ऐसा ये दूसरा दू, 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 दूसरा कक्षा है ऐसे एक से लेकर फिफ्थ क्लास तक गोंडी भाषा में हमने किताबें रचे और डिक्शनरी भी पहला डिक्शनरी 2012 में 2500 हज़ार पाँच शब्दकोश से एक डिक्शनरी बनी और 2000 ये मल्टीलिंग का प्रोजेक्ट प्रोग्राम आया जब 2009 से लेकर 2010 में एक साल में हमने टीचर लोग हम लोग पूरा मिल एक और एक शब्दकोश बनाए जैसे कि गवर्नमेंट के जरिए ये भी गवर्नमेंट के लेकिन वो भी एक सर्वशिक्षा अभियान करके वो प्रोजेक्ट में पैंतालीस हजार शब्दकोश का एक बड़ी शब्दकोश डिक्शनरी बनाई वो अभी गूगल करके गूगल में जाके क्लिक करेंगे तो दिखेगा जैसे ही वो काम करते काम करते और अपना एक भाषा उसका जतन करना पड़ा भाषा के जरिए बच्चों को तेलुगु सीखना है जैसे कि उसका भाषा के जरिए तेलुगु स्क्रिप्ट में सिखाए जब बच्चा को महसूस हुआ कि मैं तेलुगु कब सीखा नहीं जैसे उसका माता मातृभाषा का जरिए ये सुलभ तरह होगा जैसे नउन टू तो अन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टू सिंपल वो एक सूत्र को लेके हमने पढ़ाए जब बच्चे हमारा स्कूल में ज़्यादा रिटेंशन हो गए ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट नहीं हो गए जैसे कि रिटेंशन हो गए, स्टेबल हो गए बच्चे स्कूल में जैसे कि करते 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 वक्त जैसे कि मेरा भाषा का अध्ययन में और लिपि का अध्ययन में भी एक काम जारी भी है और करूँगा भी और मेरा ज़्यादा करके विचारधारा है जो अपना पूर्वज के पास और पूर्व के लोग के पास अपने दाई मातृशक्ति के पास जो कथा वास्तु है जो जानापद वांग्मय है जो पद साहित्य है उसको मेरा प्रयास है मुको मुकोदगत साहित्य है उसको लिपिबद्ध करना काम जारी, जारी है जैसे ही और एक बात है कि मैं मेरा समय हो रहा हूँगा लेकिन फिर भी मैं गोंडवाना दर्शन को मैं क्षमा मांगूंगा अभी मेरा सीमित थोड़ा ही रह गई अभी देखिए गोंडी भाषा को भाषा रक्षा और बच्चा उसके ऊपर भी ध्यान दिए दे। और देखिए ये देखिए ये गुंजाला गोंडी लिपि जैसे गुंजाला गोंडी लिपि गुंजाला का गोंडी लिपि नहीं होता ये गोंडी गोंडों का गोंडी लिपि है जैसे कि गुंजाला गोंडी लिपि का नामकरण ऐसा हुआ जैसे कि यह गुंजला गांव में डेढ़ सौ साल एक में बंद कर गंदा हुआ एक कहीं एक जगह फेंका हुआ था उस गोंडी लिपि का दस्तावेज 2001 में एक सर्वे हुआ पुरातन मेनस्क्रिप्ट किसी भी भाषा का हो या किसी भी लैंग्वेज का हो उसके ऊपर सर्वे होने के समय में 2006 में हमारा गुंजाला में एक गोंडी लिपि का एक दस्तावेज मिला वही है अभी ये गुंजाला गोंडी लिपि जैसे कि हमारे पुरका लोग जब वो एक पुलिस पटेल था और एक शिक्षक था जैसे कि वो मराठी का पुलिस पटेल वो पुलिस पटेल था मराठी सीखकर और एक शिक्षक था वो मराठी शिक्षक था जैसे कि लिंगोजी पुलिस पटेल का नाम था लिंगोजी और शिक्षक का गंगोजी पुलिस पटेल का नाम गंगोजी था और शिक्षक का नाम, का नाम था, था लिंगोजी देखिए जंगो लिंगो का जैसा अपना गोंडियन संस्कृति में जंगो लिंगो का कैसा योगदान है जैसे भी हर एक कार्य में वो जैसा कि एक गंगोजी और एक लिंगोजी ये जंगोजी लिंगोजी जब बच्चे स्कूल में जाके मराठी पढ़ते थे और गांव में आने के बाद गोंडी गोंडी लिपि पढ़ते थे अभी देखिए ये गोंडी लिपि ऊपर में लिखा है ये तेलुगु में लिखा है अभी ये देखिए गोंडी लिपि ये गुंजाला गोंडी लिपि ये गुंजाला गोंडी लिपि जैसा मैन था था हैंडराइटिंग उसको पांड बनाने के लिए पांड बनाकर ऐसा किताब ला ऐसा किताब लाने के लिए अभी देखिए जैसे हम तेलुगु में लिखे वो किताब तेलुगु का अभी ये गोंडी स्क्रिप्ट में ये गोंडी स्क्रिप्ट में आपको दिख रहा होगा ये गोंड स्क्रिप्ट ने लिखा है देखिए ये फ़ॉन्ट भी बनाने के एक दो साल लगा जैसे कि ये फ़ॉन्ट बन के अभी ये भी एक तीसरी क्लास तक एक तीसरी क्लास तक गोंडी लिपि में भी पढ़ने का प्रयास कर रहे जैसे कि डिक्शनरी बन गई और एक ऐसा ये गोंडी फ़ॉन्ट बन गई और मैं यही करते और दूसरा भी और एक काम का कार्यभार में संभालता आ रहा हूँ जैसे कि मानक शब्द वाली गोंडियन का मानक शब्द वाली गोंडी मानक शब्द वाली करके वो जैसे कि ताराम दादा मोती रामन कंगली दादा और अपना जो साहित्य लोग है वो पूरा मिलकर वो भी 2014 में वो भी विमोचन होगा जैसे कि गोंडी मानकी कारण वो मानक शब्द वाली बोलते वो मानक डिक्शनरी वो भी मानक डिक्शनरी भी बना और अभी वो भाषा के ऊपर और वो डॉक्यूमेंटेशन करना अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद सब लोग पूरा ये होने के बाद अपना भी जो भाषा है वो जैसे सेल में चौदह भाषा या सोलह भाषा आ रही ऐसे हमारा भी भाषा आना करके प्रयासरत है या बिजारी है वो सीजनेट के जरिए हो रहा जैसे मिशिन ट्रांसलेट मिशन ट्रांसलेट शब्द को पूरा ऑल इंडिया में रायपुर में वो कार्यशाला चल रहा उसका जो कार्यशाला को भार में लेकर जैसे शुभ्रांशु चौधरी है और हम भी मिलके हैं वो काम जारी है अभी हम अपने को सेल में भी अपना भाषा आना और मिशन ट्रांसलेट में अपना कौन से भी शब्द हो हिंदी में मारेंगे तो गोंड में अपन मांगेंगे तो गोंड में वो दे देगा ऐसा मिशी ट्रांसलेट का काम चालू है वो अपने को एक एक लाख वाक्य ट्रांसलेट करके हमको भेजना है वो भी आ जाएगा और ये अपना गुंजला गोंडी लिपि भी यूनिकोड कमिटी में आके है और ये अभी देखिए गोंडी लिपि एक ही नहीं है जैसे कि इंग्लिश है इंग्लिश को दो पॉइंट है एक कैपिटल लेटर्स और एक स्मॉल लेटर्स जैसे ही अपने गोंडी में भी दो पांट है जैसे कि एक गुंजला गोंडी लिपि एक इस्ल हो रहेगा जैसे कि बेतुल और छिंदवाड़ा बालाघाट का मुंशी मंगल सिंह मश्रम ने करा वो भी लिपि एक कैपिटल में रहेगा जैसे कि आपने रिज्यूम भरना है कैपिटल लेटर में तो दो भी लिपि सीखना पड़ेगा जरूरी है ये गोंडियन समझ का है ये गोंडियन समझ का लिपि को लिए और ये गोंडियन गोंडियन का जो दस्तावेज को गोंडी लिपि में भी लिखना है और वही दस्तावेज और गोंडी भाषा में भी लिखना है वो अपने अपनी युवा पीढ़ी को हम दे देंगे थोड़े लोग अभी मेरा महसूस है जब जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस और स्कूल में जाके पढ़े सो नॉलेज और ये गोंडी लिपि अगर सीखेंगे तो एक नॉलेज बढ़ के रहेगा उनको ये मेरा ख्याल है समय जो हो रहा हूँ अभी मेरे जो बुजुर्ग लोग डगु डगू मिडिल ಟೈಮ್ ತ ಅನಿ ಸಮಯ ತಬಾವ್ ವೇರ್ ವೆಲೆ ಆಸೇರ್ ಬಂದಾರ ನನ್ನ ತ ವೆಲೆನ್ ಮಂದ ಮತ್ತೆ ಜೋ ಸಮಯ ತೆಗೀರೆ ಭಾವ ಸೂಡಲಾಗರ್ ಆಗರ್ ತೋ ಅದೇ ಏಳು ನೇಕ ಕಡಲ್ದೆ ನೋವು ಬಜೆ ಅವ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕ ವಚ್ಚಿ ತಕಾಡ್ಕಿ ನನ್ನ ವೆಲೆ ಟೈಮ್ ಎಚ್ಚರ್ ಮಂತನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಸಿ ನನ್ನ ಇನ್ಕೆ ನಾವ ಎನ್ ನಗ ಜೋ ಕಾಮ್ ಬಗಲ್ ತಾಕ್ಸಿರ ಮಂತ ಅದು ಇನ್ಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯಚರೇ ನಾ ಅವರು ಇದು ಮೋಕ ಸಹಿತ ತಗ ದರ್ಶನದಾಗ ಮಾವರು ನಂದ್ ಕಿಶೋರ್ ಅನಿ ಬಿಚ್ಚು ಬಿಚ್ಚಿ ಒಡ್ಡೆದನ್ ಅನಿ ಮಾಕು ಪೇನ್ ಅನಿ ಪೇನ್ ಆತರ್ ಊರು ಅದು ಊರ ಪೇನ್ ಊರ ಸರ್ದಿ ತಾಕ್ತ ಸರ್ದೆ ನಮ್ಮ ತಾಕಕೋ ಮನಿ ಮಾವಾ ಮಾವ ಜೋ ಬಾಯ್ ಅಲ್ ಪೂನ ಜೋ ಬತಾಲ್ ಸಪ್ನ ಮತ್ತ ಊರು ಬತಾಲ್ ಸಪ್ನ ಬೆಹಂಕಿ ಈಜಿಸೋತೆ ಅಪ್ ಅವರು ಪಾರಿಗಿರೆ ನನ್ನ ಪಾರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಮೆ ಪಾರಿಗಿರೆ ಊರ ವನಗಿರಿ ತಮ್ಮಂತಕಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಮ ಪಾರಿ ನಾನು ಬೈಡಗುರ್ ಕಾಮಂತ ಬಾರಿ ಜರಿತಕ್ಕೆ ಮಾ ಜೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಮೆ ಪಾರಿ ಅನಿ ಮೋತಿರಾಮನ್ ಕಂಗಾಲಿದ ಊರು ಮಾವ ಮೊಹನ್ಜೋದರ ಹರಪಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನು ಬೆಂಕಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಸಂತೆ ಕರಲ್ಯ ಅಂದು ಮರಾಠಿನ್ ಲಿಂಗೋ ಮುಟ್ವಾಂದ್ ಇದು ಸಪ್ ಜೋ ಪಿ ಪಾರಿ ಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗೋನಾ ಅದು ಪಿಕ್ಟೊಗ್ರ ಸಿಂಬಲ್ ಲಿಕ್ನಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ಕಿ ಸಿನ್ ಕಂಗಲಿ ದಾದ 240, जो चालीस जो पिक्ट्राफासी मा जो वरिष्ठ साहित्यकार मोहन जोतर हरप संशोधकटोग्राफिक संशोधक मावर प्रकाश अलमे पेहंक नमन किन मोन मंत आने बेहंकी ना अर्कान मूर्प दादा ನನ್ನ ಹುರ್ಗ ಇಸುರು ಗುಂಡಿನಾದನ್ ಒನ್ನ ಸುರ್ಪಮ್ ದಾದನ್ ಬಿ ನನ್ನ ಬೆಹಂಕಿ ಮೆಹಂದಲ್ ಧನ್ಯವಾದದ್ವಿ ಮೋಕ ಸೀತ ಕಾಡ್ಕಿ ಗೋಣವನ ಪೇಜ್ ನಗ ಮೋಕ ಸೀತ ಕಾಡ್ಕಿ ನನ್ನ ಊರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದವಿಚಿ ಆನೆ ಬಿಚ್ಚು ವಡ್ಡೆ ದಾದನ್ ಅನಿ ರಮೇಶ್ ಕೋರ್ಚ ದಾದನ್ ಅನಿ ಸುನೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಾರಮ್ ದಾದನ್ ಬಾಯಿ ಮಾವ ಉಷಾ ಕಿರಣಮ್ ನನ್ನ ನಾವ ನಾಕಿದ ಮೋಕ ಸಿಹಂಕಿ ನನ್ನ ಲಾಬಿ ಹಚ್ಚಿ टोनी मंतन अन्य गोंडवाना भूमि भी नना बाकी मंतन अंजेरे नना नाकु पेन अन्य सीता मौका तुनु नना मुकु आभारी माने मासेरे नाम ये रण शब्द कुनु नना गए विराम ये चर मंत मैं मेरा जो कुछ यहाँ पे मेरा समय आप लोग दिए वो मैं आभारी हूँ और मेरा जो कुछ जो कुछ कहना और कुछ त्रुटि तुर, हुआ होगा और कुछ कहीं गलती ये वो चुक हुआ होगा माफ करना करके मेरा पीढ़ी और सुनने वाले और देखने वाले और जैसा संशोधक लोग बुजुर्ग विद्युन लोग को मैं आपका बेटा मानकर मेरा क्षमा करे इतना बात मैं कहकर मेरा वाणी को विराम लेता हूँ जय सेवा